Apáñalo. ¡Abby! ¡No! अगर उसके किसी भी टहनी पर तुमने दिव्य जल की कुछ बूंदें छिड़क दी तो वो वापस पूरा वृक्ष बन जाएगा। लेकिन हमें दिव्य जल कहाँ पर मिलेगा? दिव्य तालाब में, इस टापू के उत्तरी पश्चिमी कोने पर। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दिव्यांशु, इस तालाब की रखवाली करती हूँ। मुझे और मेरे तालाब को एक दुष्ट जादूगर ने श्रापित कर दिया था, आज तुमने मुझे उससे मुक्ति दिला दी। लेकिन माया क्यों किया? दिव्य वृक्ष को फिर से हरा भरा करने के लिए हमें आपको थोड़ा सा दिव्य जल चाहिए, प्लीज हमें वो दे दीजिए। शुक्रिया दिव्य हंस। दोस्तों चलो, अब हमें दिव्य जल मिल गया, अब हम इसे दिव्य वृक्ष को ठीक कर देंगे और फिर उसके फल से बाल बब्बर को ठीक करके उन्हें बब्बर राजा को लौटा देंगे। चलो चादरी खाली ऊपर उड़ो। सरदार, बब्बर राजा मर चुके हैं, इंसानों के राजा आदित्य ने उसे जंग में मार दिया। इसका मतलब शांति संधि खत्म। अच्छा है ना, वैसे भी बहुत भूख लग रही थी बिड़ू, और पेट अमन से नहीं गोश्त से भरता है। देखो देखो सुनो, कुछ तो गड़बड़ है। जीजाजी ऐसे किसी को मार नहीं सकते। एक काम करते हैं, मैं जाके, मेरा मतलब हम जाके उनकी मदद करते हैं, है ना? क्यों बिड़ू, उससे हमारा क्या लेना देना? हमें तो फिलहाल तुम्हारे गोश से मतलब है। गोश? देखो देखो, मैं एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम लोगों ने मुझे मार के खा लिया और वो लोग अगर लड़ते रहे तो हमारे यहाँ के लोग आके तो आप लोगों का शिकार करेंगे ना। बिना शांति सिद्धि के न तुम चैन से जी पाओगे न मैं, है ना? जाओ रुक्मणी, जाओ जाकर मेरा दिया हुआ आदेश पूरा करो। जब तक तुम्हें होश आएगा
सब खत्म हो जाएंगे, सब। जय शैतान। रानी साहिबा, क्या चाहिए आपको? महारानी, चलो गाइस, अब हम जल्दी से बाल बब्बर को बचाते और फिर युद्ध को रोकते। यहाँ पर तो जंग जोरों जोरों से चल रही है। हाँ, लेकिन बब्बर आ जाएगा, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है उन्होंने बाबा को कुछ बताया नहीं। कहीं होने का छोड़ा नहीं गया। महाराज आदित्य ने बब्बर राजा को मार दिया है। क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, पापा कभी ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, समय बहुत कम है, तुम लोग जाओ नीचे पापा के पास और उन्हें सब सच बताओ, और ध्यान रखता कि उन्हें कुछ होना चाहिए। तब तक मैं बब्बर राजा की गुफा में जाता हूँ और इस फल से बाल बब्बर को ठीक करता हूँ। ठीक है, हाथ रखी करो। देखिए, रुक्मणी अभी होश में नहीं है। झूठ मत बोलो। हम तो पहले से ही बाल बब्बर की जान बचाना चाहते थे, इसलिए रुद्र के रक्षक दिव्य फल लेने गए हैं, ताकि उसके रक्त से बाल बब्बर और उसके परिवार को जीवित किया जा सके। ओहो, फिर कहाँ है वो? जल्दी कर, बब्बर राजा की गुफा की ओर चलो। नाम है त्रिकारा और अब खत्म खेल सारा। तुम और माया ठीक तो हो ना? अभी कहाँ है? अंकल, वो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। मैं चल जल्दी। बहुत खूब सिखाना, बहुत खूब। मार तो आदित्य और उन बच्चों को, अभी तो गया, और बब्बर राजा और उसका परिवार भी समझो खत्म। फिर चारों ओर एक ही राज रहेगा, गुरु काल का राज। जय शैतान, जय शैतान। Thank you.
अबे तुम क्या लड़ने का पैसा लोगे? चलो आगे बढ़ो। तुम्हारा खेल खत्म महाराज आदित्य। समय खत्म, सूरज ढल गया, ना आवी रहा, ना बब्बर राजा और ना रुद्र के रक्षकों की शक्तियां। मुंबास गुरु का धैर्य बहुत देर हो गई, तुम लड़े खूब पर अफसोस जीत नहीं पाए।
खेल तो तुम्हारा खत्म जिकारा। जंगल के निवासियों, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। रुद्र के रक्षकों ने बाल बब्बर को और बब्बर रानी को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने हम सबकी जान बचाई है। दोषी वो नहीं बल्कि हमारे बीच छुपा एक खतार है। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दो। महाराज, महाराज दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। महाराज हमें माफ कर दो। महाराज मुझे माफ कर दो। गुस्से की आग में इतना होश खो बैठा मैं कि सही और गलत का अंदाजा ही नहीं लगा सका। ये बात अब समझ में आई मुझे। मैं इस जंग के अंत का ऐलान करता हूं। महाराज की जय! 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 हैं? अरे वाह! इस शुभ घड़ी पर हम सब इंसानों और जानवरों के बीच की शांति संधि को स्वीकार करते हैं। महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! इस कहानी की सीख, किसी भी बहस या मतभेद का हल लड़ाई झगड़े से नहीं निकलता। गुस्सा होना बहुत आसान है, लेकिन उस गुस्से की कीमत कभी कभी हमें नहीं हमारे अपने भी ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आग के बदले आग दोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। याद रखना, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका हल शांति और समझदारी से निकाला जा सकता है।